हमारे नन्हे नन्हे बच्चे, माताएं, बहनें, पिता, बुजुर्ग, नौजवान साथी, ये कार्यक्रम आपका 3 दिवसीय बौद्ध धर्म ज्ञान वर्षा का हो रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम इससे पहले होली के पहले निश्चित था, लेकिन कुछ लोगों की अड़चने देने की वजह से कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ाया गया। ठीक है, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, सामाजिक संभाव और समता, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हम अपने कार्यक्रम को आगे और पीछे करने को तैयार हैं, लेकिन क्या इसके लिए आप भी कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं? मैं विश्व को मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर महामानव तथागत गौतम बुद्ध, जिनके बारे में आप प्रसंग सुन रहे थे कि मारने वाले से और जीवन देने वाले का जो है कद और पद बड़ा होता है, महाकाणिक तथागत गौतम बुद्ध चाहे कृषा पुत्र वियोग में कृषा गौतमी हो, चाहे नगर वधु आम्रपाली हो, चाहे सुमित भंगी हो, चाहे आनंद हो, चाहे राजा प्रसेंजित हो, ये सारे लोगों, चाहे खुखार डाकू आंगुली माल हो, सारे लोगों को की जिज्ञासा और को जो है शांत करते हुए सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध का संदेश गया। तथागत बुद्ध का संदेश क्या था? तथागत बुद्ध का संदेश था समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, छुआछूत, क्रमिक असमानता जो है से परे ये सामाजिक समता का जो है देश हो, इस देश में सोने की चिड़िया हो। तथागत बुद्ध का संदेश चंद्रगुप्त मौर्य से के तीसरे पौत्र सम्राट अशोक ने आत्मसात किया, तो सम्राट अशोक ने आत्मसात करने के बाद इस देश की सीमाएं कितनी दूर तक ले गई, काबुल, कांधार, नेपाल, इस पूरा जो है देश जो है इसी में था। आज पाकिस्तान अलग हो गया, आज अफगानिस्तान अलग हो गया, आज पश्चिम बंगाल अलग हो गया, आज जो है वियतनाम अलग हो गया, चीन अलग हो गया, ये सारे देश आपके देश में थे। कब थे? जब तथागत बुद्ध का संदेश मानने वाले यहाँ के राजा थे। सम्राट अशोका हो, उन्होंने 84,000 द्वितीय कलिंग युद्ध जीतने के बाद जो लाखों लाख संख्या मर गई और उसी में जो है दो बौद्ध भिक्षु शांत मन से आ रहे थे, तो उन्होंने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, आप डरे नहीं? तो उन्होंने कहा कि मुझको जानते नहीं? तो तथा जो बौद्ध भिक्षु थे, बालक थे, उन्होंने कहा मैं आपको जान के क्या करूं, जो पूरी देश को जीत करके खुद से हारा है, आप कब अपने को कब जीतेंगे? तो सम्राट अशोक अचंभित हो गया, उन्होंने कहा मैं इस देश का राजा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, उसके बाद ये बौद्ध भिक्षु बाल्यावस्था में और इन जो मरे, जो सेना मरी है, इनकी विधवाएं हमसे डर नहीं रही है। तथागत बुद्ध के संदेश का प्रभाव बौद्ध भिक्षुओं पर पड़ा और बौद्ध भिक्षुओं का जो है प्रभाव सम्राट अशोक पर पड़ा। उसी दिन सम्राट अशोक ने उसी कलिंग युद्ध में शपथ खाई थी कि आज के बाद अकारण में किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। उसके बाद भी देश की सीमाएं सुरक्षित रही, 84,000 स्तूप बनाए गए जो है, और उन स्तूपों पर तथागत बुद्ध की याद में 84,000 स्तूप बनाए गए, उन स्तूपों पर तथागत बुद्ध के संदेश लिखवाए गए। क्या लिखवाए गए? कि चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और जो है कच्ची पक्की शराब को नहीं जो है पिएंगे, सेवन नहीं करेंगे। ये संदेश थे, अकारण किसी मतलब प्राणी छोड़ दीजिए, पशु पक्षी की भी हत्या नहीं करेंगे। ये सम्राट अशोका का साम्राज्य था, इसीलिए कलिंग युद्ध तक वो महान नहीं हुआ। जब तथागत बुद्ध की शरण में आया, 84,000 स्तूप बनवाए, तब जाके चक्रवर्ती सम्राट महान अशोक सम्राट हुआ। सम्राट अशोक के बाद महर्षि कनिष्क हुए, हर्षवर्धन हुए, इन्होंने ही तथागत बुद्ध की परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद कुछ समय के बाद बृहद्रथ मौर्य जो आखिरी शासक था, उसको जो है पुष्यमित्र सुंग द्वारा वध करके, हत्या करके उसका राजपाट छीन लिया गया और
और सुंग वंश की स्थापना मात्र 200 साल तक ही चला पाए। उसके बाद इस देश में कौन आ गया कौन नहीं जानता, मोहम्मद बिन कासिम आया, गौरी आया, गजनी आया, और जो है शाहजहां आया, अकबर आया, औरंगजेब आया, इस तरह के बहुत सारे आक्रांता आपके देश में आए। और आपने इस देश की सीमाएं सुरक्षित करने के लिए आपने तो रख लिया था अपने हाथों में तलवार और कहा था इस देश का कुर्मी काची है गड़रिया तेरी तमोली नाई भुजी कहा लोहार सुनार चमार पासी नटकंजर बढ़िया, ये तलवार नहीं उठाएगा, इस देश ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, ये व्यापार नहीं करेगा। और आपके हाथ में हथियार था, आपके हाथ में देश की सीमाएं सुरक्षित करने का अधिकार था, तो आपकी ये देश क्यों गुलाम हो गया, क्यों गुलाम हो गया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये हमारे लोगों के कारण गुलाम नहीं हुआ? हमारे लोगों के कारण तो ये सोने की चिड़िया थी, ये सोने की चिड़िया थी। तहसीला नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन जैसे विश्वविद्यालय इस देश में थे, पूरी दुनिया के लोग इस देश में ज्ञान लेने आते थे, तब यह विश्वगुरु था। और जब जातियों में बढ़ गया तब ये विश्वगुरु नहीं हो गया, कंगाल हो गया, और बहुत सारे मंदिर तोड़े तबाड़े गए, बहुत सारा सोना चांदी लूट कर लेकर गए। उसके बाद 800 सालों तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद फ्रांसीसी आए, शक आए, हूड़ आए, 150 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया। क्यों किया? फूट डालो राज करो। आज वही चल रहा है, आज एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ा रहा है, सिख ईसाई से लड़ाया जा रहा है, चमार पासी से लड़ाया जा रहा है, कुर्मी यादव से लड़ाया जा रहा है। अरे यार इस तरह से लड़ते रहोगे तो ये देश फिर गुलाम हो जाएगा। पूंजीपतियों का तो गुलाम हो चुका है, नौकरी नहीं मिल रही, सारे जो है 5 लाख सरकारी स्कूल सर्वे हो चुके हैं, सारे अस्पताल प्राइवेट हो चुके हैं, सारी सड़कें प्राइवेट हो चुकी हैं, ये देश पूंजीपतियों का गुलाम हो चुका है, केवल दिखावे भर का आजाद है। तो कब सुधरोगे? जब 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 जो है आप में आपस में जातिया धार्मिक उन्माद को खत्म करके सामाजिक समभाव स्थापित होगा, समता स्थापित होगा, शिक्षा आएगी, मानवता कायम होगी, इंसानियत आएगी, तब ये देश दोबारा जो है हमेशा हमेशा के लिए ताकतवर बनेगा। नहीं तो इस देश के राष्ट्रपति बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन जो है राजस्थान पुष्कर मंदिर में जाते हैं तो सीढ़ी से बैठकर पूजा कराई जाती है। इस देश के राष्ट्रपति को सीढ़ियों पर बैठ करके पूजा करना पड़ता है। और लोग कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया, अखिलेश यादव का जब आवास खाली होता है 54 किलो गाय का मूत्र जो है गोरखपुर से मंगाकर धुलवाया जाता है, कह रहे हैं जातिवाद खत्म हो गया। जब जो है द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनती है तो उनका जो है शुद्धिकरण किया जाता है और कहते हो जातिवाद खत्म हो गया। राजस्थान में 4 साल का बच्चा जो पढ़ने जाता है पानी पीने के लिए पीठ पर के मार डाला जाता है। जो है एक जो है लोहार समाज का लड़का जो सिपाही होता है और घोड़ी पे बारात निकाल देता है तो उसको पीट पीट करके जो है मारने का काम करता है। एक से जो है शेड्यूल कास्ट का आदमी, पासी समाज का आदमी पीसीएस का जो है कप्तान बन जाता है, लेकिन अपने गांव में घोड़ी और बैंड बाजे के साथ बारात नहीं निकाल पड़ता है। 4 थाने की पुलिस आती है, एसपी उसमें मौजूद होते हैं, तब उसकी बारात निकलती है। अरे किस देश की कल्पना कर रहे हो? जानवरों से इतना प्रेम मोहब्बत है और देश के पढ़े लिखे इंसानों से जो है मोहब्बत नहीं है? तो इस तरह से अगर करोगे तो एक देश का जो कप्तान हो चुका है और वो देश की सेवा करने जा रहा, देश की पुलिस की सबसे बड़ी नौकरी करने जा रहा, उसको अपने गांव में बारात में घोड़ी से बारात नहीं निकालने दोगे? और किसी को जितेंद्र मेघवाल जैसे व्यक्ति को मोछ नहीं रखने दोगे? अरे बालों का झगड़ा कब तक चलेगा? कब तक जो है बाल देख कर मारोगे, मोछ रखने से मारोगे, दाढ़ी पकड़ के मारोगे? अरे अब तो जो है देश का जो 800 सालों तक मुगलों का गुलाम रहा, 150 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, क्या इतनी लाते खाने के बाद भी अभी सुधरने का समय नहीं है? अगर नहीं अकल आई तो इस बार जो है अगर गुलाम हो गया तो शहीद भगत सिंह जैसा आदमी, अशफाकुल्ला खान जैसा आदमी, वीर अब्दुल हमीद जैसा आदमी और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग दोबारा इस धरती पे पैदा नहीं होंगे।